इस वक्त हम मुंबई के आज़ाद मैदान में हैं। यहाँ मेरे साथ महाराष्ट्र राज्य भर से आए हुए कुछ शिक्षक हैं जो प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक हैं। ये वो स्कूलें होती हैं जिन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है, या एक शब्द में कहें तो वो अर्धशासकीय स्कूल होती हैं। लेकिन इन शिक्षकों का कहना है कि पिछले 10 से 15 सालों से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उन्हें या उनके स्कूलों को कोई अनुदान नहीं मिला है और ना ही उनकी किसी तरीके की वेतन मिली है। वो अपने हक के लिए पिछले 9 दिनों से यहाँ बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए उपवास या यूं कह धरना में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनकी कोई सुनवाई तो नहीं हुई है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि उन्हें इस तरह मैदान में बैठकर शिक्षक कहा जाता है कि शिक्षक हमारे देश का भविष्य बनाते हैं, लेकिन वो अपने भविष्य की लड़ाई इस वक्त लड़ रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि उन्हें इस तरह यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मुक्ता महाराष्ट्र शिक्षक संगठन की ओर से हमारे जो राज्याध्यक्ष है खैरे सर जी, वो खैरे सर आज 25 सितंबर 2018 से, यानी कि आज नौवां दिन से सर जी ने कुछ भी अन्न प्राशन नहीं किया है। सर, जो हम मांगे लेके बैठे हुए हैं वो मांग है कि अघोषित स्कूल जो है, अघोषित शाला, उनको निधि से घोषित किया जाए, और जो शासन ने दिया है 20% अनुदान, एक और दो जुलाई 2016 को जो घोषित स्कूल थे उस स्कूल को 20% अनुदान शासन ने दिया है, वह 100% के हकदार है और उनको शासन ने 20% सिर्फ 20% दिया है तो उनको 100% मिले। और हमारे जो स्कूल के अतिरिक्त शिक्षक हैं, वह अतिरिक्त शिक्षक जिस अध्यापक है वह अध्यापकों को सेवा संरक्षण मिले, इस मांग को लेके हुए। और कुछ स्कूल हैं जिनका मूल्यांकन हुआ है लेकिन वह अभी भी पुनः संचालक लेवल पे हैं, उनको भी मंत्रालय में बुलाया जाए। और अब जो 20% अनुदान दिया उसमें से कुछ 51 स्कूल और 19 डिवीज़न हैं, वह डिवीज़न को शासन ने बाजू रखा और बाकी को अनुदान दिया, तो वैसा ना हो तो उनको भी अनुदान मिले, यह मांग लेके हमारे राज्याध्यक्ष जो गजानन जी खैरे हैं वह आज पिछले 9 दिनों से अन्नत्याग अनशन पर बैठे हुए हैं। और मैं शासन से विनती, आप हमें देने वाले हैं, साफ दे रहे हैं, तो आप हमें भी यह जो अघोषित स्कूल है वह निधि से घोषित करके हमारे खैरे सर जी की जान बचाए। दोस्तों, मैं सबको विनती करता हूँ, शासन से विनती करता हूँ कि शासन हमारे खैरे सर जो आज 9 दिन से कुछ भी अन्न का एक कण भी न लेते हुए यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनको हमारे जो निधि स्कूल है निधि से घोषित करके वह स्कूल को अनुदान दें।